हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे केवल पढ़ने के लिए, पानी से ही जीवन है। पिछला लेसन भी हमने पानी पढ़ा था और आज हम पढ़ने के लिए भी यही पढ़ेंगे। पानी से जीवन है, पानी से हर बूंद बनी है, पानी का ही सागर, नम्मे बातल दौड़ लगाते, भर पानी घी गागर। पानी से ही बहते झरने नदियाँ नाले बहते, ताल तलैया झील सरोवर पानी से शुभ रहते। पानी से ही फसलें उगती, हर वन उपवन फलता, पानी से ही इस वसुधा पर सबका जीवन चलता। आओ बचत करें पानी की, पानी उत्तम धन है, पानी से ही यह जग सुंदर, पानी से जीवन है। बच्चों, यह कविता आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? अब हम पढ़ेंगे पार्ट 10, राष्ट्र प्रहरी। अभिषेक टेलीविजन पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहा था। जैसी थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अभिषेक की आंखें चमक उठी। पंक्तियों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अभिषेक को एक के पीछे एक आती सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? ऐसा करने का अभिषेक का मन ही मन संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अभिषेक ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरती सर्दी और दूसरी तरफ रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम सचेत रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रु के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। बच्चों, आज हमने ये पाठ राष्ट्र प्रहरी पढ़ा है। आपको भी ये पाठ पढ़ना है और समझना है। अगली कक्षा में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।